Welcome to a very, very special broadcast where we have the privilege of talking to India's Prime Minister, Prime Minister Narendra Modi ji. And Prime Minister Narendra. Narendra Modi, thank you very much for speaking to Rahul and myself and to the millions of viewers of India's number one news brand, Times Now. Thank you very much, Pradhan very much for talking to us. about this very much. Times Now, the first time. मेरे लिए खुशी की बात है मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 2018 साल की पहली मुलाकात है तो मेरी विशेष शुभकामनाएं हैं सबको थैंक यू जी आप सबको भी थैंक यू वेरी थैंक यू जी प्रधानमंत्री जी हाउ वुड यू लुक बैक ऑन द थ्री एंड हाफ इयर्स ऑफ योर टर्म इन ऑफिस सो मच हुआ है कितना किया है और क्या बचा है मैं स्वयं मेरा मूल्यांकन करूं उसके बजाय अच्छा है कि देश की जनता उसका मूल्यांकन करे और हमारे देश में बार बार जो चुनाव आते हैं वो भी एक कसौटी मानी जाती है अगर उसे कसौटी माना जाए तो आप देखते हैं कि डिस्टिंक्शन से भी अच्छी स्थिति में हम निकले हैं दुनिया की नज़रों से देखें तो दुनिया लगातार कह रही है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है एक बहुत बढ़िया आर्थिक क्षेत्र में विकास की दृष्टि देखा जाए लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि यूपीए की सरकार के दस साल और हमारी सरकार के साढ़े तीन चार साल जो भी समय हुआ है उसका तुलनात्मक ब्यौरा देश के सामने आते रहना चाहिए तभी पता चलेगा कि भाई पहले क्या था अब क्या है अब जैसे आखिरकार चुनाव चल रहा था उस समय के अखबार निकाल दीजिए निराशा का माहौल था रोजाना एक स्कैम की चर्चा आती थी हर बार यही खबर आती थी कितना गया कितना गया साढ़े तीन साल से आप देख रहे हैं यही खबर आई है इतना आया इतना आया तो मुझे बहुत संतोष हैं जिस संकल्प को लेकर के हम चले थे सही दिशा में जा रहे हैं उत्तरोत्तर हमारी गति बढ़ती चली जा रही हैं और देश के सामान्य मानवी की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने में हम भरसक प्रयास करते हैं कि विश्वास देशवासियों को हुआ है और यही सबसे बड़ा संतोष होता है प्रधानमंत्री जी आपने आर्थिक व्यवस्था की बात की आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो छः दशमलव पांच पर है इस वक्त लेकिन कई एजेंसीज वर्ल्ड बैंक जैसे एजेंसीज ने कहा है कि ये अगले साल सात दशमलव तीन तक जाएगी सेवन पॉइंट थ्री तक जाएगी लेकिन बावजूद इसके आप क्या समझते हैं कि ये ग्रोथ किस तरह आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि एक डूम्सडे सिनारियो भी लोग दिया करते हैं जो लोग ये सिनारियो दे रहे हैं उनकी ये मजबूरी है क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप करना बात का बवंडर बनाना आमतौर तो पर रहता है लेकिन साढ़े तीन साल से हम एक ऐसी सरकार चला रहे हैं कि जिस पर कोई गंभीर आरोप नहीं है कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं है कि सरकार संकट में आ जाए और उसका विपक्ष हो तो एक प्रकार से आरोप करने वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार के खिलाफ आरोप क्या करें तो फिर सरल रहता है निराशा फैलाना हर चीज में निराशा देखना तो मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी है इस प्रकार की बातें करना अब जहां तक देश की आर्थिक विकास की यात्रा का सवाल है आपको मालूम होगा कि दो हजार तेरह चौदह में अर्थ जगत में भारत की पहचान क्या थी भारत का नाम फ्रेजाइल फाइव में था 2013-14 में कि डूबती नहीं आए और यह तो मरेंगे लेकिन हमको भी मारेंगे सरम। ये दुनिया मानती थी दुनिया को चिंता थी कि ये फ्रेजाइल फाइव में भारत का ब्रिक्स में आई का अपनी एक स्थान था लेकिन फिर हम फ्रेजाइल फाइव में आ गए तीन साल के भीतर भीतर फ्रेजाइल फाइव शब्द निकल करके उस भावना से दुनिया और ये दुनिया के गणमान्य इंस्टीट्यूशंस विधिवेदता अर्थवेदता उनकी बातें हैं वहां से निकल करके आज तीन साढ़े तीन साल के भीतर भीतर चमकता सितारा के रूप में भारत की अर्थनीति को देखा जाए आशा के रूप में देखा जाए मैं समझता हूं ये अपने आप में बड़ी बात है दूसरा कोई व्यक्ति स्वस्थ हैं कि बीमार है हम क्या करते हैं पल्स देखते हैं बीपी देखते हैं डायबिटीज देखते हैं हार्ट बीट देखते हैं और फिर कहते भाई कुछ ठीक है या गड़बड़ है वैसा भी अर्थव्यवस्था के लिए भी है अब देखिए हमारे पहले जो सरकार थी उस समय महंगाई का दर क्या था दस प्रतिशत से भी ज्यादा हम तीन साल का एवरेज निकालें तो तीन प्रतिशत लाए हैं हमारा एवरेज तीन प्रतिशत का है और अभी इन दिनों वो पांच प्रतिशत है लेकिन हम एवरेज अगर निकालें तो तीन प्रतिशत कहां टेन और टेन प्लस और कहां तीन ये एक आर्थिक व्यवस्था का इंडिकेटर है दूसरा एफडीआई डी तीस हजार डॉलर से आज चालीस हजार डॉलर से भी ज्यादा बच गए बढ़ गया यह अपने आप में आ, मैं समझ थर्टी तो, बिलियन टू सिक्सटी टू बिलियन सिक्सटी टू बिलियन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप है जब विश्वास होता है अर्थनीति में तब होता है फिजिकल डेफिसिट पहले साढ़े प्रतिशत उससे भी ज्यादा फिजिकल डिफिसिट से देश चल रहा था हमने उसको साढ़े तीन पर ला करके खड़ा किया यह इसका मानदंड है करंट अकाउंट डिफिसिट जीडीपी की तुलना में चार परसेंट थी आज हम उसको एक और दो के बीच में ला करके खड़ा कर दिया है अगर आपको तंदुरुस्त चर्चा करनी है तो निश्चित पैरामीटर्स के आधार पर होती है और निश्चित पैरामीटर को दुनिया देखती है और दुनिया तब कहती है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है और इसीलिए हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में भारत का ग्रोथ रेट बढ़ेगा एक और इंडिकेटर है सेंसेक्स इट हैज क्रॉस थर्टी फाइव थाउजेंड एंड वन ऑफ द रीजन्स इज जो आप कह रहे थे फिजिकल डिफिसिट आपने इतनी अच्छी तरह आपकी सरकार ने मैनेज किया है तभी भी आलोचक हैं लोग कहते हैं कि ठीक नहीं चल रहा आपने मजबूरियों की बात की ये क्या मजबूरियां हैं राजनीतिक निराशा रास्ता नहीं जो सूझ रहा है वही मजबूरियां हैं उनकी प्रधानमंत्री जी आप पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 20 साल में डेवॉस जाएंगे और आप प्लीनरी को एड्रेस करेंगे ऐसा किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पहले नहीं किया है जो प्लीनरी को एड्रेस किया हो और आप चाइना के बाद आ, लास्ट ईयर चाइना ने किया था और अब इस साल आप करने जा रहे हैं आपकी यात्रा अब दो ही दिन में होने वाली है आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का क्या किस्सा डिवोर्स लेके जाएंगे अब देखिए एक कोई नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री इसके रूप में कोई विशेष कारण के रूप में मैं इन चीज को देखता नहीं हूं यह इसलिए संभव हुआ है कि भारत ने प्रगति की है भारत ने अपनी आर्थिक ताकत दुनिया के सामने मजबूती से पेश की है तो स्वाभाविक है कि दुनिया भारत को जानना चाहता है डायरेक्टली जानना चाहता है समझना चाहता है और मैं इसे एक अवसर मानता हूँ कि हमारे सवा सौ करोड़ देशवासियों ने जब एक प्रॉपर इकोसिस्टम मिला तो खिलने लग गए नीतियाँ साफ सुथरी मिली वो इनिशिएटिव लेने लगे रिस्क लेने लगे आगे बढ़ने लगे साढ़े तीन साल के भीतर भीतर भारत की जो ये पूरा टर्न अराउंड है फेजाइल फाइव से लेकर के ब्राइट स्पॉट तक का तो ये भारत के सवा सौ करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का परिणाम है और मेरा काम है दुनिया में जा कर के उनके गीत गाना मेरा काम है मेरे सवा सौ करोड़ देशवासियों की पराक्रम की गाथा दुनिया को बताना मेरा काम है विश्व के सामने जाकर के हम प्रगति की कई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं ये दुनिया को बताना और मैं इस अवसर का भरपूर फायदा उठाऊँगा कि विश्व भारत का सही रूप देखें भारत के सामर्थ्य को समझें और भारत के अवसरों को वो भी अपने हित के लिए इस्तेमाल करें क्योंकि भारत एक आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना हुआ है मगर तब भी 91 वन से आज तक यानी दो दिन कोई और प्रधानमंत्री को हमारे देश के ये स्तर नहीं मिला है टू ऑक्यूपाई द स्टेज ये क्यों हुआ भारत ने खुद ने आज विश्व में आकर्षण का केंद्र बना है ये कमाल भारत की है भारत के सवा सौ करोड़ देशवासियों की है निराशा के माहौल से आशा के साथ आगे बढ़ने वाले हिंदुस्तान की है हर क्षेत्र में प्रगति करने का हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो पिछले तीन साल में पैदा हुआ है उसके कारण दुनिया को स्वाभाविक लगता है दूसरा विश्व में काफी बदलाव आया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस हो ट्रांसपेरेंसी हो इंटीग्रिटी हो सवा सौ करोड़ देश में बढ़ता हुआ मिडिल क्लास का बल्क हो 800 मिलियन 35 से कम आयु के लोग हो और इन सब के साथ जैसा मैंने कहा डेमोक्रेसी हो तो विश्व का उसके प्रति आकर्षित होना बहुत स्वाभाविक है हाई हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये मौका जाने न दें। बहुत सही कहा आपने प्रधानमंत्री uh, जी प्रधानमंत्री जी uh, मैं आपको याद दिलाऊंगी अक्टूबर 2017 में आईएमएफ की के चीफ क्रिस्टीन लगाड ने कहा था वी हैव स्लाइटली डाउनग्रेडेड इंडिया बट वी बिलीव दैट इंडिया इज फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ऑन अ ग्रोथ ट्रैक दैट इज मच मोर सॉलिड एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट हैव बीन कंडक्टेड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इफ़ वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक आर कन्विस्ड अबाउट डी मोनिटाइजेशन एंड जी एस टी तो हमारी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों कन्विंस्ड नहीं है डीमॉनिटाइजेशन और जी एस टी से देखिए आई एम एफ हो वर्ल्ड बैंक हो मूडीज हो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो दुनिया की अर्थजगत को जानने समझने लिखने वाले लोग हो सब भारत के इन कदमों की तारीफ करें अच्छी बात है लेकिन मेरे लिए मेरे लिए मेरे देशवासियों का सर्टिफिकेट सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है और मुझे मेरे देशवासियों ने सर्टिफिकेट दिया है मेरे कदमों को मेरे देशवासियों ने हर समय हर मोड़ पर सराहा है स्वीकार किया है और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है दूसरी बात है सोए हुए व्यक्ति को जगाना बड़ा सरल होता है लेकिन जागने का ढोंग करने सोने का ढोंग जो कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए जो विरोध कर रहे हैं या जो आलोचना कर रहे हैं है, सचमुच में डिमोनेटाइजेशन वो सिर्फ एक नोट गई और दूसरी नोट आई यहां तक सीमित विषय नहीं है अगर एक भारतीय के नाते हम दुनिया को ये बताते कि इतना बड़ा देश इतनी विविधताओं से भरा देश जहाँ गरीबी भी है, मध्यम वर्ग भी हैं अमीर भी हैं पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी हैं गाँव भी है, है शहर है आर्थिक असंतुलन भी है, राज्यों राज्यों के बीच भी असंतुलन उसके बावजूद भी रातों रात 86 परसेंट करेंसी बदलने का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में निर्णय होता है और लागू हो जाता है जबकि लोगों ने आग लगाने की कोशिश की थी दंगे हो जाए तो वहां तक की प्रयास किए थे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे क्या कुछ नहीं किया था इतना सारा करने के बाद कोशिश यही थी कि काले धन वाले बच जाएं, भ्रष्टाचार वाले बच जाएं, बेईमान बच जाएं। इसके लिए क्या कुछ नहीं हुआ था लेकिन देश हमारे साथ खड़ा रहा दुनिया के छोटे छोटे दोस्त भी ऐसे प्रयोग करने के लिए निकले लेकिन वापस लौटना पड़ा हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सफलता है कि सिर्फ एक नोट गई दूसरी आई इतना नहीं इसके साथ एक भारत का फेडरल स्ट्रक्चर भारत का सामान्य मानवी भारत की सरकार का गवर्नेंस आर का रोल ये अपने आप में विश्व को भारत के प्रति आदर बढ़ाने वाला है ये लाभ राजनीतिक विरोध होने के बावजूद भी लेना चाहिए था लेकिन अब कुछ लोगों के मर्यादाएं हैं नहीं ले पा रहे हैं जी थर्टी प्लेसेस हम राइज़ किए हैं हिंदुस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मगर लोग एक और फ्रेज़ के साथ सामने भी आते हैं वो कहते हैं ईज़ ऑफ लिविंग तो ये हाउ विल दैट बिकम अ रियलिटी वो रियलिटी कैसे बनेगी बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है एज ऑफ डूइंग बिजनेस 42 टू uh, थर्टी नहीं एक्चुअली हम 42 टू अप किए हैं हम आने के बाद आने के। हमारे आने के बाद पिछले तीन साल में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा काम है और ये ऐसे नहीं होता है गुड गवर्नेंस हो क्लैरिटी हो ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार पॉलिसी फ्रेमवर्क हो तब जाकर के रैंकिंग आता है ये हवाबाजी से नहीं आता है तो भारत ने ये सारे कदम उठाए हैं दुनिया के लिए आश्चर्य है करीब 1400 से ज्यादा कानून हमने खत्म किए ती, तीन साल में एक कानून बनाने की जितनी ताकत है उससे ज्यादा इन कानूनों के जंगलों से सामान्य मानवीय को मुक्ति दिलाना एक बहुत बड़ा काम है। ये ईज का विषय है ये मेरी अपनी सोच है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वेरी गुड लेकिन भारत जैसे देश में अल्टीमेट गोल होना चाहिए ईज ऑफ लिविंग और इसलिए मेरा पूरा फोकस इस बात में है कि सामान्य व्यक्ति को सिस्टम के साथ जो जूझना पड़ता है जद तो वो बंद होना चाहिए सिस्टम प्रोएक्टिव होनी चाहिए सामान्य मानवीय की सुख सुविधा के लिए जो निर्धारित हो वही कोई एक्स्ट्रा देने के लिए नहीं कोई और कोई मांगता नहीं है इस देश का गरीब सरकार से ये नहीं कहता कि मेरा झोपड़ी को एकदम से बंगला बना दो वो रोज़मर्रा की जिंदगी में वो चाहता है और मैं मानता हूँ ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हम लोगों ने प्रयास करने चाहिए मैं इस दिशा में कोशिश कर रहा हूँ जैसे हर गरीब महिला जो लकड़ी का चूल्हा जला करके गैस यानी धुएं में जिंदगी गुजारती थी उसका ईज ऑफ लिविंग तब होगा कैसे होगा तो चलो मैं उसको धुएं से मुक्ति दिला दूँ मैंने एक बड़ा अभियान उठाया उज्ज्वला का तीन करोड़ तीस लाख परिवारों को गैस का कनेक्शन दे दिया पाँच करोड़ का टारगेट शायद मैं समय से पहले पूरा कर दूंगा ये अपने आप में ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हमारे कदम है सही कहा आपने प्रधानमंत्री जी लेकिन एक फिर क्रिटिसिज्म आता है और मैं विपक्ष की बात कहूँगी कभी वो कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स ले आए आप कभी वो कहते हैं कि आपने नौकरियां नहीं दी ईज ऑफ लिविंग कहाँ से आएगा जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हो रहा है किसान मरा जा रहा है उनको आप क्या कहेंगे जीएसटी वन नेशन वन टैक्स सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को संविधान के दायरे में राजनीति के किरण का एक बहुत बड़ा काम किया था हमारी कोशिश है वन नेशन वन टैक्स की दिशा में जाने की जीएसटी का तत्वतः किसी ने विरोध नहीं किया है तात्विक रूप से सब कुछ इसको स्वीकारते हैं जब जब जिस जिसको अवसर मिला हरेक ने इसको बढ़ाने का प्रयास किया है और ये इसलिए जीएसटी जो भी है अगर वो सफल है तो भी सबका है अगर विफल है तो भी सबका है ये मैं डे वन से कह रहा हूं कि ये किसी एक सरकार का काम नहीं है सबने ने मिलजुल करके किया है दूसरा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने सात साल तक लगातार डिबेट कर करके इसको पारित किया है इतना लंबा समय किसी विषय पर चर्चा हुई हो ऐसा बहुत रैर होता है सभी दलों ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, विचार प्रकट किए हैं और एक मंथन से निकला हुआ जीएसटी है जब संसद ने जहां के जो लोग बैठे थे जिन्होंने पारित किया है अगर आज वही लोग जीएसटी के खिलाफ भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो उस संसद की पवित्रता का अपमान करते हैं संसद की सामूहिक शक्ति का अपमान करते हैं लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करते हैं शोभा नहीं देता है दूसरा अब उसके लागू करने के विषय लागू कौन करता है सभी दलों ने मिलकर के संसद ने मिलकर के जीएसटी काउंसिल बनाया है जीएसटी काउंसिल के 33 घटक उसके मेंबर हैं स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल में जितना वेटेज पुडुचेरी का है उतना ही वेटेज भारत सरकार का है जीएसटी काउंसिल में जितना वेटेज नागालैंड का है उतना ही वेटेज भारत सरकार का है जीएसटी काउंसिल में जितना वेटेज उत्तर प्रदेश का है उतना ही वेटेज भारत सरकार का है तैतीस इक्वल है ऑल थर्टी थ्री आर इक्वल जीएसटी के अंदर जितने निर्णय हुए हैं सारे के सारे सर्वसहमति से हुए हैं सबकी सहमति से हुए हैं एक बार भी वोटिंग की नौबत नहीं आई है इस जीएसटी काउंसिल में सभी दलों की सरकारें हैं सभी दलों के मंत्री हैं सभी दलों के प्रतिनिधि हैं सभी स्टेट की अपनी आशा आकांक्षाओं से भरे हुए लोग हैं निर्णय सारे सहमति से हुए हैं जो निर्णय करने में आपकी पार्टी के भी मुख्यमंत्री भागीदार हैं जिस निर्णय में सहमति से हुआ है इतनी पवित्र व्यवस्था जो संसद ने बनाई है सबने मिलकर के बनाई है सारे निर्णय सबने की है अंदर तो बड़े हंसते खेलते प्यार से निर्णय होते हैं और बाहर आकर के गुस्सा दिखाते हो आक्रोश दिखाते हो मरने मारने की भाषा बोलते हो अंदर हम प्यार से जीएसटी के निर्णय कर रहे हैं बाहर आप दूसरा कह रहे हो संसद में प्यार से खुले मन से डिबेट करते हैं हंसते खेलते करते हैं और बाहर आकर के गुस्सा दिखाते हो आक्रोश दिखाते हो तो ये देश की जनता इसको भली भांति जानती है आज जीएसटी के जितने निर्णय हैं, तैतीस लोगों ने किए हैं उन थर्टी थ्री में हम एक है बाकी थर्टी टू है लेकिन ठिकरा हमारे सर पर फोड़ने का खेल चल रहा है तो आज नहीं तो कल देश समझेगा दूसरा आप मुझे बताएं इनकम टैक्स कानून कब बना अब तक इनकम टैक्स में कानून में कितने बदलाव आए हैं सैकड़ों सुधार हुए सैकड़ों जीएसटी भी एक नई व्यवस्था विकसित हो रही है मैं डेवन से कह रहा हूं देश की जनता को इस नई व्यवस्था से एडजस्ट करने में टाइम लगेगा कहा जहां जहां हमारी कमियां हैं उसको सुधारते चले जाना चाहिए और एक अच्छा व्यवस्था विकसित करने के लिए हमने सामूहिक प्रयास करना चाहिए छ महीना आठ महीना साल दो साल सब लोग मिलकर के एक ऐसी चीज दें देश को जो पूरे लंबे अरसे तक काम आए तो एक ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को इरादा नेक है प्रयास जितनी भगवान ने सबको बुद्धि शक्ति दी है सब कर रहे हैं एक अच्छी चीज के लिए मिलजुल करके चलना चाहिए सिर्फ राजनीतिक स्वार्थी देखेंगे क्या एम्प्लॉयमेंट और फार्मर्स पे मैं बता एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है जी अभी आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने जो सर्वे किया है हमारे देश में ये तो सब लोग मानते हैं कि जॉब की दुनिया में जॉब मार्केट में फॉर्मल टेन परसेंट है इनफॉर्मल नाइन्टी परसेंट है जी ये तो माना हुआ है मैं सिर्फ फॉर्मल के आंकड़े आपको देता हूं जो हमारे आंकड़े नहीं है इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने निकाले हुए आंकड़े हैं ईपीएफ पी ये परफेक्ट पैरामीटर होता है जिसमें इन जिसको रोजगार मिलता है उसका नाम होता है उसका आधार नंबर होता है उसके खाते में पैसे जमा होते हैं वो ई होता है एक साल में 18 से 25 साल के नए नौजवानों का ईपीएफ पी सत्रह लाख जुड़ा है सेवन जीरो लैक्स सेवन मिलियन क्या यह रोजगार नहीं है क्या दूसरा इस देश में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो किया होगा साढ़े तीन साल में कोई नए वकील बने होंगे कोई नए डॉक्टर बने होंगे कोई नए कंसल्टेंट बने होंगे ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो गए उनके आंकड़े तो कहीं होते ही नहीं जी उनके कहीं होते नहीं हैं तो ये जो प्रोफेशनल क्षेत्र में जो लोग जा रहे हैं जुट रहे हैं तीसरा आप मुझे बताइए पहले अगर जितने रोड बनते थे आज अगर एक दिन में उससे डबल रोड बनते हैं तो क्या बिना रोजगारी के बड़े होंगे क्या किसी ने तो काम किया होगा उसको रोजगार नहीं मिला होगा पहले जितनी रेल की पटरी डलती थी आज एक दिन में उससे डबल डलती है तो क्या रोजगार नहीं पैदा करता होगा क्या पहले जितना इलेक्ट्रिफिकेशन होता था उससे डबल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है क्या रोजगार नहीं मिलता होगा क्या पहले जो पोर्ट सेक्टर का कारोबार था वो आज तेजी से बढ़ा है क्या उसमें रोजगारी के बिना बढ़ा होगा क्या कैसे काम हुआ होगा अब ये चीजें आप स्वीकारोगे ही नहीं आपके पास गिवन जो सिस्टम है डाटा की उसको यही सिस्टम पुरवार करती है कि इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है और दूसरा इसके बावजूद भी हमारा स्पष्ट मत है सरकार की नीतियाँ देखिए हमारी सारी नीतियों के केंद्र में रोजगार को बढ़ावा देने की व्यवस्था है जी हमने टेक्सटाइल में जो पॉलिसी बनाई है हमने चमड़े के उद्योग में जो पॉलिसी बनाई है वो मैक्सिमम लोगों को रोजगार देने के लिए बनाई है तो इसलिए भारत जैसे देश में मुद्रा योजना मुद्रा योजना अपने आप में एक ऐसे रोजगार का अवसर दे रहा है जो प्रतिष्ठा भी देता है एंटरप्रेन्योरशिप भी देता है और जो आज रोजगार चाहता है वो रोजगार देने वाला बनता है दस करोड़ लोग दस करोड़ ऋण की स्वीकृति दस करोड़ छोटा सा आंकड़ा नहीं है वन मिलियन और चार लाख करोड़ रुपया उनको मिला है मुद्रा योजना से और आपको जानकर के खुशी होगी देश के हर नौजवान को प्रेरणा मिलेगी इन दस करोड़ ऋण स्वीकृति में तीन करोड़ लोग वो हैं जिनको पहली बार बैंक से पैसा मिला है ये तीन करोड़ लोगों के हाथ में किसी के हाथ में पचास हजार किसी के हाथ में लाख पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख आए हैं किसी ने किसी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था खड़ी है और वो अकेला कमाता है ऐसा नहीं उसने किसी एक को और रोजगार दिया है ये रोजगार नहीं है तो क्या है इसलिए कृपा करके जो निराशा में डूबे हुए हैं वो अपनी निराशा से बाहर निकलने के लिए प्रयास करें तो हम समझते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं इसलिए औरों से निराश कर दें ऐसी भाषा प्रयोग न करें ये तो रही आर्थिक इश्यूज की बातें ये जो मरने मारने वाले ये जो बोल हैं ये आपके ऊपर भी दर्शाए जा रहे हैं आपकी फैमिली के ऊपर भी पीपल मेक वेरी डिस्टेस्टफुल पर्सनल रिमार्क्स वी हैव बीन हियरिंग देम इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन मोदी जी ये इज नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन ऑन आवर पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस पे आपका क्या कहना है बिकॉज दिस इज बिकमिंग साइक्लिकल देखिए भाई मैं समझता हूँ कि इस पर तो देश सोचे अब मैं इतना झेल चुका हूँ इतना मुझे इतने ऐसी ऐसी बातें मैंने सुन चुका हूँ मैं नहीं चाहता भगवान मुझे उसको दोबारा ऐसी चीजें याद करने के लिए मजबूर करें मैं तो इतना ही कहूँ ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे प्रधानमंत्री जी आप भारत की इमेज इंडिया की जो इमेज है वो बाहर के देशों में जाकर बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लीडर्स हैं जो बाहर जाते हैं और जाकर अपने जो डायस्पोरा हैं जो इंडियंस बाहर सेटल्ड हैं उनको जाके कहते हैं कि भारत में सब कुछ बहुत खराब चल रहा है आपकी मदद की ज़रूरत है आप वापस आइए कुछ मदद करिए भारत में सब डूबता जा रहा है उनसे आप क्या कहेंगे शायद जो लोग विदेश में रहते हैं और जो लोग विदेश जाते आते रहते हैं आज भारत के पासपोर्ट की जो इज्जत है आज भारत के पासपोर्ट की जो ताकत है शायद ही पहले कभी इतनी ताकत किसी ने अनुभव की, की होगी आज एयरपोर्ट पर एंटर होते ही इमिग्रेशन अफसर के पास जब भारत का पासपोर्ट को रखता है तो बड़े शान के साथ सामने वाला बड़े गर्व के साथ उसके सामने देखता है ये हर कोई बताता है हर कोई कहता है भाई दुनिया में आज हम मैं समझता हूं कि सत्य यही है बाकी दुनिया में जाकर के अगर हम कुछ बोलते हैं तो देश की पहचान के बजाय बोलने वाले की पहचान ज्यादा हो जाती है मगर ये सब लोग कहते हैं कि बोलने पे कुछ पाबंदी नहीं लगानी चाहिए वी आर फ्री टू मेक कॉमेंट्स वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर डिसअपॉइंटमेंट्स और पहले भी लोगों ने करा है तो हमारे कोई सिंगल आउट क्यों किया जाता है कि हम कुछ भारत की इमेज को छवि को डेंट कर रहे हैं ये इस पे आपको उनको मैं, क्या काफ़ी लोग कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं विदेश हमें बोलने का मौका मिलता है तो हम बोलते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में भावनाएं खराब हैं देश के प्रति बट हम हकीकत बताते हैं तो इज आधे डेंटिंग दे इमेज मैं 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 उनकी आलोचना करके उनको महत्व क्यों दूँ भाई क्यों मारा? देश को तय करने दो कि बाहर जा कर के हम जो भी बोलते हैं उससे बोलने वाले की पहचान होती है कि देश की पहचान होती है। देश की पहचान क्या है दुनिया जानता है दुनिया के लोग जो हमारे देश में पैदा नहीं हुए इसका यहाँ का अन्न नहीं खाया वो इसको ब्राइट स्पॉट कहते हैं अभी तो उन्होंने हमारा नमक नहीं खाया है लेकिन बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी आपने 2014 में एक एक नारा दिया था उसमें आपने कहा था कि आप इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे आपने ये कहा था अब 2018 में कई चुनाव आ रहे हैं कांग्रेस जो है वो चार राज्यों में सिमट गई है एक राज्य में चुनाव है इस साल कर्नाटक में और बाकी रह गया पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है तो क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत आपका साकार हो रहा है सबसे पहले नविका जी मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं थोड़ा समय ज़्यादा जादा लूँगा आज टीवी टाइम्स नाउ के दर्शकों का क्योंकि मेरा मन करता था कभी इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूं लेकिन कभी कर नहीं पाया एक नारा मेरा चल पड़ा लेकिन मेरी भावना थी वो कभी मैं पहुंचा नहीं पाया क्योंकि राजनीति के इतनी जल्दबाजी में बोला जाता है कि चलते रहती गाड़ी हमारे देश में राजनीति की मुख्य धारा कांग्रेस रही इसलिए सभी राजनीतिक दलों में भी कल्चर जो आया बाय एंड लार्ज सब कुर्ता वाले दिखेंगे आपको तो क्योंकि पहले कांग्रेस के जमाने में सब कुर्ता वाले होते थे तो ये किसी भी दल में होते पॉलिटिक्स मतलब ये छवि मैं जब कांग्रेस भुक्त तो कहता हूं तो एक कांग्रेस संगठन या एक पॉलिटिकल पार्टी की इकाई इस सीमित अर्थ में मेरे मन में विचार नहीं आए थे जो शब्द निकला तब कांग्रेस एक कल्चर के रूप में देश में फैला हुआ है आजादी के आंदोलन वाली कांग्रेस का भी एक कल्चर था जिसने देश के जवानों को मरने मिटने की प्रेरणा दी आजादी के बाद कांग्रेस के कल्चर का जो रूप आया है जो कम अधिक मात्रा में हर राजनीतिक दल को भाने लगा है बहुत ठीक लगता है हाँ यार इस रास्ते पे चल जाए तो गाड़ी चल जाएगी जातिवाद परिवारवाद भ्रष्टाचारी शिष्टाचार धोखा देना सत्ता को बिल्कुल दबोच के रखना ये मैं इसको एक ऐसा राज, हिंदुस्तान की राजनीति के कल्चर के हिस्से बन गया राजनीतिक कल्चर के जिसका मुख्य धारा कांग्रेस रही कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बोलते तो तो। हैं, मैं उस सोच की चर्चा करता हूं कि भाई वो सोचा नहीं, एक जो चरित्र देश में बन गया राजनेता ने ऐसे राजनीति मतलब ऐसी ये मूलतः कांग्रेस की मूल धारा से फैला हुआ है और इसलिए जब मैं कांग्रेस मुक्त कहता हूं तो ये चुनावी उठापटक से जुड़ा हुआ नहीं है जी मैं तो चाहूंगा स्वयं कांग्रेस पार्टी को भी अपने आप को कांग्रेस मुक्त करना पड़ेगा वो कौन सा जो कांग्रेस कहती है सोच है और जो इस कल्चर है देश के लोकतंत्र में कांग्रेस की भलाई भी इसी में है कि कांग्रेस भी कांग्रेस मुक्त हो उस कल्चर से मुक्त हो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है और उस अर्थ में मैं कांग्रेस मुक्त भारत का मेरी बात है। अच्छा हुआ का पूछा मुझे मेरे इन भावों को अच्छी तरह मैं बता पाया हूं मैं उन बुराइयों से मुक्ति की पक्ष में हूं और जो मूलतः शुरू वहीं से हुई आज कम अधिक मात्रा में सब जगह पे फैली है मैं इसका मना नहीं करता हूं लेकिन इससे बचाना होगा देश के राजनीतिक दलों को बचाना होगा देश के राजनीतिक चरित्र को बचाना होगा आने वाली पीढ़ियों को बचाना होगा और एक सिंबॉलिक है कांग्रेस दल तक मेरी बात सीमित नहीं है जी मैं तो कांग्रेस को भी कांग्रेस मुक्त होने की बात कह रहा हूं। तो ये तो लीडरशिप पे बेसिकली उनका दायित्व मैं लीडरशिप मैं मैं तो एक ओवरऑल सबने मिलकर करना होता है जी सबने मिलकर करना होता है मुझे किसी लीडर पर दोष देना नहीं है तो आपको बस उस भावना से नहीं, कांग्रेस नहीं। मुक्त भारत की भावना से कांग्रेस मुक्त जब मैं कहता हूं तब मैं उस, उस कल्चर की कल्चर बात की बात करता करते जिसमें विमान में भी जा रहे हैं, बड़े पॉलिटिशियन वाले हो तो यूं हो जाता है आदमी ये कैसे हो गया जी जबकि सेवा करने के लिए 18 बीस बीस घंटे काम करने वाले लोग सार्वजनिक जीवन में राजनीति में है और एक दल में ऐसा नहीं सब दलों में है लेकिन एक पहचान ऐसी बन गई है कि सब इसके कारण दुर् दुख मुसीबत ये हो गई है अच्छे लोग आने से डर रहे हैं उनको लगता है अब मैं ठीक है मैं जहां हूँ ठीक हूँ मुझे राजनीति में नहीं आना है उसका मूल कारण क्या है उस मूल कारण को मैं से मुक्ति देनी है तो कांग्रेस मुक्त भारत एक शब्द मैंने जो दिया है उस कल्चर के लिए दिया है और मैं मानूंगा कांग्रेस को भी कांग्रेस मुक्त करना होगा और दलों को भी अपने आप में कांग्रेस को प्रवेशने से रोकना होगा और ये मैं किसी दल या व्यवस्था और चौखट की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूं जी जी प्रधानमंत्री जी एक आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगी कि आपको कितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ अपनी जाति तौर पर जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप एंटी ट्रिपल तलाक बिल लेकर के आए पार्लियामेंट में लोकसभा में तो पास हो गया क्योंकि वहाँ आपके पास नंबर हैं लेकिन राज्यसभा में इस पर एक मत एक कंसेंसस नहीं हो पाया पर्सनली वर यू अफेक्टेड मेरा यही कहना है कि भाई दिल से देल, दल से बड़ा देश होता है हमारी राजनीतिक आशाएं अपेक्षाएँ हो स्वाभाविक है मैं ये मानता था कि राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस जो गलती कर बैठी उससे वो सबक सीखी होगी और अब प्रभाव भी इतना बदल चुका है दुनिया के इस्लामिक देशों ने भी कानून बदले हैं तो कांग्रेस पार्टी या वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल उस मर्यादित सोच से बाहर निकल करके एक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन नारी का सम्मान उस भाव से सोचेंगे और मैं देखता हूँ कि इस देश के टीवी ने एक बहुत बड़ी सेवा की कि जो तीन तलाक के कारण की शिकार हुई महिलाएं थी उनकी जो एक एक स्टोरी उभर करके मीडिया लाया अच्छे अच्छे की आंख में आंसू आ जाते थे कि क्या हालत है अब उन उनको बचाना था ये कोई राजनीति तो थी नहीं और नहीं किसी को फांसी पर लटका देना था कोई ऐसी व्यवस्था करो भाई सम्मान से जी सके कांग्रेस इस अच्छे सामाजिक काम को क्यों समझ नहीं पाई ये, ये बड़ा चिंता का विषय है क्या राजनीति इस हद तक पहुंच गई है कि उन टीवी पर एक एक कथा देखते थे जी मैंने मन द्रवित हो जाता है कैसा इन बच्चों को कैसे पालेंगे क्या करेंगे और उनको एक हक देना था मुस्लिम महिलाओं को हक देना था और दुनिया के इस्लामिक देशों ने भी दिया है ऐसा नहीं है कि कोई इसको धार्मिक विषय है ये अब इसको नहीं समझ पाए तो मन में पीड़ा होती है कि हमारी राजनीति कितनी नीचे गई है क्या सत्ता का इतना बड़ी भूख कि आप निर्दोष माताओं बहनों की जिंदगी तबाह होती देखते रहें और अपनी राजनीति करते रहें ये पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है और मुझे बहुत पीड़ा हुई कांग्रेस जीएसटी के लिए गाली लेकिन एक गरीब मुस्लिम बहनों की रक्षा का काम और उसमें इस प्रकार की हरकत है कि उनके अंदर भी शायद भीतर तो उनको भी पीड़ा होती होगी ऐसा मैं मानता हूँ लेकिन शायद राजनीति और सत्ता भूख उनको ये सब करने के लिए मजबूर करती होगी काफ़ी दलों ने इस पे एक एक किस्म से ऑपोजिशन किया राज्यसभा में आपने डिबेट में सुना ही होगा काफ़ी चीज़ें बोली कि लॉ इनफर्म है ये एक मुहिम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आप ले आए इसीलिए ये कराया जा रहा है उनको आप ये सब क्या कहेंगे पहली बात है हम जो लाए हैं उसमें ऐसा है क्या कुछ उसी की डिबेट करो भाई आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दे रहा हूँ यार पता नहीं कहाँ ले जाएगा पता नहीं रिकॉर्डिंग करके जा रहा है क्या दिखा देगा पता नहीं मेरी कैसी धुलाई करेगा कि करे भाई अभी मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने ईमानदारी से बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ को क्या करेगा क्या नहीं आशंका के आधार पर मैं टाइम्स नाउ को गालियाँ देता रहा हूँ इससे थोड़ा चलता है ये सही कहा प्रधानमंत्री जी एक और बहुत संगीन संगीन इशू है जो इस वक्त हुआ है जो एक शोडाउन हुआ है जुडिशरी में क्या आप समझते हैं कि ये अवॉइडेबल था मैं मानता हूँ मुझे इस पूरे विवाद से खुद को दूर रखना चाहिए सरकार ने भी दूर रहना चाहिए देश के राजनीतिक दलों ने भी दूर रहना चाहिए हमारे देश की जुडिशरी का बहुत ही उज्जवल इतिहास है वे बहुत ही सक्षम लोग हैं वो मिल बैठ कर के अपने समस्या को समझेंगे समाधान करेंगे और मुझे हमारी इस न्याय प्रथा प्रणाली का पर भरोसा है जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे काफ़ी ऑपोजिशन वाले तो बीजेपी के हाई प्रोफाइल लीडर्स को इसमें खींच रहे थे ये जुडिशरी के जो मामले में आप समझते हैं कि लाइक यू वर्ड चीफ मिनिस्टर इन गुजरात सर फिर से 2019 के पहले ये लोग कुछ इश्यूज खड़ा कर रहे हैं जुडिशरी को लेके केसेस को लेके आपको फिर से कॉनर करने की कोशिश कर रहे हैं विरोधियों ने भरपूर कोशिश करनी चाहिए मोदी को ख़त्म करने के लिए मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और ये मुहिम चलती रह, रहती है ऐसा है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं उनके उसी कारणों ने मुझे यहाँ पहुंचाया है मोदी जी देश में एक और डिबेट है डिबेट ये है कि नेशनल एंथम जो है वो कहाँ गाना चाहिए गाना चाहिए तो उसमें खड़ा होना चाहिए या नहीं चाहिए कितनी देर खड़ा होना चाहिए सिनेमा हॉल में होना चाहिए ये चीजें अब हमारी न्यायपालिका में जाने लग गई हैं इस पर आपका क्या कहना है न्यायपालिका में तो कोई ले जाके जाएगा तो न्यायपालिका कहाँ मना कर सकती है का, कैसे मना कर सकते हैं नागरिक का हक हाँ है कहीं पर भी जाने का पर इसको पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है आपको लग रहा है कि आज के दिन में अगर कोई खड़ा होकर अपना राष्ट्रगान गाए तो उसको सवाल पूछे जाते हैं जो सवाल पूछते हैं उनको पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी एक कंसेंसस है आपने इसकी कई बार चर्चा की है कि देश में साइमल्टेनियस पोल्स होने चाहिए सेंटर में और स्टेट्स में अब जैसे 2018 ही आप ले लीजिए कम से कम नहीं तो छः सात राज्यों में इस साल चुनाव है और फिर अगले साल तो जो चुनाव जनरल इलेक्शंस और कई स्टेट्स का जनरल इलेक्शन के साथ है सो है तो इस इस मुद्दे पर आपके विचार कंसेंसस क्यों नहीं बना पा रहे आपकी चिंता सही है और मैं ये भी मानता हूँ हमारा मैं सरकार में हूँ तो हमारा दायित्व तो भी है लेकिन ये विषय कहने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी कह चुके हैं भारत के संविधान के निर्माता जो जानकार लोग हैं वो भी कह चुके हैं जी कुछ व्यवहारु बातें भी हैं जिसको हमने सोचना चाहिए भारत जैसा देश जिसकी डेमोक्रेसी बहुत ही मैच्योर हुई है हिंदुस्तान का नागरिक स्कूल गया है कि नहीं गया है लेकिन उसको दूध का दूध और पानी का पानी का भरा भरा समझ आता है और 67 के पहले हमारे देश में लोकसभा विधानसभा साथ ही होती थी और देश की जनता नीचे एक निर्णय करती थी ऊपर दूसरा निर्णय करती थी ऊपर एक निर्णय करती थी नीचे दूसरा निर्णय करती थी एक साथ वोट देती थी दो अलग अलग देती थी उनको समझ था तो भारत के मतदाताओं की समझदारी पर शक करने की जरूरत नहीं है दूसरा बजट फलानी तारीख को होगा ही होगा मतलब होता ही है ऐसा नहीं कि भी मन मर्जी से होता है नियम बन गया तो चलता है तो वैसे इसको भी नियमों में बांधेंगे तो देश चलेगा और चलना चाहिए अब आप देखिए 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब खर्चा करीब हजार ग्यारह सौ करोड़ हुआ 2014 में हुआ चार हजार करोड़ खर्चा हुआ आज देश का दुर्भाग्य देखिए स्थानीय निकायों के चुनाव है उसकी मतदाता सूची अलग है नगर पालिका महानगर पालिका की मतदाता सूची अलग है असेंबली की अलग है लोकसभा की अलग है आज के टेक्नोलॉजी के युग में भारत जैसे देश में कोई भी चुनाव हो मतदाता सूची एक नहीं बन सकती क्या सिंपल सा है लेकिन हम हमारी शिक्षक टीचर्स को मतदाता सूचियाँ ठीक करने में शक्ति चली जा रही है बदलाव जरूरी है दूसरा लगातार चुनाव भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर अब ठीक है चुनाव है तो तू तू मैं मैं होनी है छिटाकसी होनी है आरोप प्रत्यारोप होने वाले हैं भाषा के संबंध में विवाद हो सकता है लेकिन होने वाले हैं इसको तो ये लोकतंत्र का स्वभाव है मान करके चलना चाहिए इसको तो रोक नहीं लगाई जा सकती हाँ भाषा कैसी हो उस पर चर्चा हो सकती है लेकिन होना तो होना है भाई आप सभ्य भाषा में बोलिएगा सभ्य बोलेगा, बोलिए बोलने को कोई नहीं रोक सकता अब ऐसी स्थिति में असेंबली के चुनाव के समय हम प्रधानमंत्री हैं लेकिन राजनीति में भी हैं हमें जाना पड़ता है बोलना पड़ता है उस सरकार की आलोचना करनी पड़ती है वहाँ के राजनेता की आलोचना करनी पड़ती है जाने अनजाने में भी ये फेडरल स्ट्रक्चर को खरोज पहुँचती है दूसरा मान लीजिए मैं प्रचार कर रहा हूँ त्रिपुरा में लेकिन वो बोलता हूँ मैं त्रिपुरा के लिए त्रिपुरा की सिचुएशन के लिए बोलता हूँ लेकिन गोवा वाला भी सुनता है वो भी टाइम्स नाउ में देखता है केरल वाला भी देखता है वो भी देखता है उसके दिमाग में राजनीति और ये कैसे लोग हैं देखो यार लड़ते रहते हैं अच्छी बात हो नहीं पाती है कुछ समय हो सकता है अब जैसे होली का त्यौहार होता है हम रंग लगाते हैं कपड़े खराब करते हैं किसी जगह पर कीचड़ भी उछार देते हैं कोई काला रंग भी पहुँच देते हैं लेकिन एक निश्चित समय के लिए बाद में सब लोग हंसी खुशी नहा धो के फिर गले लग जाते हैं चुनाव भी एक निश्चित समय काल में हो उसमें जितनी होली खेलनी है रंग खेलने हैं काला करना है बुरा करना है जो करना है निश्चित सीमा में हो जाएगा पाँच साल अच्छे ढंग से हो दूसरा हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा है कि पॉपुलिस्ट इकोनॉमी ये कांग्रेस मुक्त मैं जो कह रहा हूँ ना वो उस कल्चर का हिस्सा है लोक रंजक अर्थनीति इसलिए अब सरकारों को भी यादव चुनाव आया है ये बांटो वो बांटो ये बांटो वो बांटो इसकी कम्पटिशन चल रही है वो कहता है मैं इतना दूंगा तो वो कहता है मैं इतना दूंगा और जो विपक्ष में होता है उसको तो बड़ी सुविधा होती है वो सारी खजाना मैं तो हैरान था गुजरात में चुनाव हुआ तो हमारे लोगों ने कुछ हिसाब करके दिया कि गुजरात का टोटल बजट से चार गुना चीजें हम मुफ्त में देंगे ऐसी घोषणा कर दी गई अब ऐसी गैरजिम्मेवार बातें चलती हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होंगे तो मैं समझता हूं कि देश का खर्चा बच जाएगा समय बच जाएगा सिक्योरिटी हमारा देश का लाखों सिक्योरिटी के लोग साल में सौ डेढ़ सौ दिन चुनावी व्यवस्थाओं में ही होते हैं जी जबकि इतना बड़ा देश इतने बड़े खतरे इतने बड़े आंदोलन अगर हम सामान्य मानवीय की सिक्योरिटी के लिए लोग लगाएं कि चुनावी व्यवस्था में लगाएं अगर एक साथ हो जाता है और मैं मानता हूँ कि डेट फिक्स हो जानी चाहिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ उसके एक महीने के भीतर भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव और फिर जो जहां है वहां पाँच साल चलाना होगा बीच में मानो कोई सरकार गिर जाती तो जैसे कोई एमपी का स्वर्गवास हो जाता है कोई एमएलए का स्वर्गवास होता है तो बाकी टेन्य ईयर का ही चुनाव होता है इनमें भी ऐसा SI ही होना चाहिए और ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता एक दल नहीं कर सकता सबने मिल कर के कर करना चाहिए मैंने ऑल पार्टी की हर मीटिंग में विषय उठाया है मैंने व्यक्तिगत जिन जिन दल के लोगों से बात की सबने व्यक्तिगत बातचीत में ये यही करना चाहिए जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा यही बोलते मैं दो वाक्य बोलूँ तो वो पाँच बोलते हैं लेकिन जब पब्लिकली स्टेटमेंट देना होता है हाँ। तो दूसरा देते हैं वो कहते हैं थ्री फिफ्टी सिक्स आर्टिकल हाँ। है हाँ। जब तक वो रहेगा तब, तब तक हम नहीं कर सकते वो कहते हैं कि देखिए सरकारें आती हैं और जाती हैं टूटती हैं तो आप एकदम फिक्स कैसे कर सकते हैं टेन्योर ये आपको बोलते होंगे ये सब ऐसा कोई सब कहते हैं यार कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए कुछ करना चाहिए सब बोलते हैं लेकिन जब करने की नौबत आती है तो फिर सबके अपने देश हित और दल हित का टकराव शुरू हो जाता है तो इस पर एक और बात पूछूंगी कि आपने कहा कि पॉपुलिज्म और आप पॉपुलिज्म के सख्त खिलाफ रहे हैं लेकिन जनरल एक इलेक्शन अगले साल भी आ रहा है क्या राजनीति आप पर दबाव नहीं डालती कि इस साल के बजट में थोड़े से आप पॉपुलिस्ट हो जाएं क्योंकि इलेक्शन जीतना तो हर दल का भी दायित्व होता है देखिए बजट ये लोकस लो, हमारे पार्लियामेंट की अमानत होता है बजट ही हमारे वित्त मंत्री के वर्गी में आता है और इसलिए मुझे उसमें हाथ पांव फैलाने का हक नहीं बनता है लेकिन जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखा है जिन्होंने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखा है देश का सामान्य मानवी ऐसी चीजों के का भूखा नहीं है ये हमारा भ्रम है देश का सामान्य मानवी ईमानदारी की अपेक्षा करता है देश का सामान्य मानवी उसके हक का उसको मिले ये अपेक्षा करता है मुफ्त का नहीं मांगता है ये भ्रम है हम लोगों का और मैं देश के सामान्य मानवीय पर भरोसा करता हूं उसकी आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए हम सरकार चलाते हैं निर्णय करते हैं और समस्याओं का समाधान करके आगे निकल रहे हैं तो आप ये पॉपुलिज्म को रिजिस्ट करेंगे ये आप कह रहे हैं स्पष्ट तरीके से ये इस देश के विद्वानों ने तय करना चाहिए कि देश में मजबूती की ओर आगे बढ़ना है तो जो एक पॉलिटिकल कल्चर कांग्रेस कल्चर उसी से जाना है कि फिर से बाहर निकलना है आपने एम्प्लॉयमेंट पे खुलकर बात की एक वो एरिया है जो आपकी जिस पर आलोचना होती है पर दूसरी एरिया जो है वो है फार्म डिस्ट्रेस एग्रीकल्चर सेक्टर जैसा आपने गुजरात में दिखाया है ग्रोथ वो ग्रोथ सेंट्रल लेवल पे उसकी क्रिटिसिज्म होती है तो आप अपने आलोचकों आलोचकों को क्या कहें ये ये आलोचना सही है और इसका इनकार नहीं करना चाहिए ये देश की जिम्मेवारी है सभी राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है भारत सरकार की जिम्मेवारी है नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी है कि हमारे देश के किसानों की समस्याओं को समझ करके उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए पिछले कुछ समय में हमने जो प्रयास किए हैं उसने एक विश्वास का वातावरण बनाया है जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने देखा मैं अभी कर्नाटक गया था तो हमारा एक एमपी काफ़ी सक्रिय है उसने प्रधान इलाके में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों तक पहुंचाया और वहाँ दुर्भाग्य से अकाल आया उन किसानों को मुझे अंदाजे उस समय तक उसने करीब सौ सवा सौ करोड़ रुपये इंश्योरेंस के दिलवाए थे अब एक ऐसी स्कीम है कि जो किसानों को संकट के समय जीवनदान देने की ताकत रखती है अब हमने किया है सरकार अच्छा उसमें किसान को दो परसेंट ही देना है नाइन्टी एट परसेंट राज्य और केंद्र सरकार देती है दूसरा किसान को बिजली चाहिए या पानी चाहिए मेरा मत है किसान को पानी मिलना चाहिए हमने करीब नाइन्टी नाइन ऐसी स्कीम जो रिजर्वर्स तैयार थे डैम बन चुके थे लेकिन तो पानी पहुंचाने के लिए कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया अब मैं हैरान हूँ जी ऐसी कैसी सरकारें चलाई गई कि आप तीन मार्क मंजिला मकान बनाएं लेकिन स्टैरकेस या न डालें ऐसा होता है क्या ऐसा हुआ है हमारे देश में हमने लाखों करोड़ रुपए लगा करके उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है चालीस पचास शायद मैंने काफ़ी मात्रा में पूरी हो गई बाकी भी हो जाएंगे फिर मैं और लूँगा तो पानी पहुँचाने का एक बड़ा अभियान हम चला रहे हैं तीसरा हमारे किसान को बेचारे को मालूम नहीं है विज्ञान बदल चुका है आज आप बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर पहले कहता है भाई तो ब्लड टेस्ट करा के आओ यूरिन टेस्ट करा के आओ और फिर तय करता है कि कहाँ जाना है वैसा ही जमीन का है ये धरती माता उसकी सेहत कैसी है तो हमने सॉइल हेल्थ कार्ड का एक बड़ा अभियान चलाया है जमीन का नमूना लेके और करोड़ों करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है अभी भी हिंदुस्तान में इंसान को हेल्थ कार्ड नहीं है लेकिन मैंने किसान को सोहेल हेल्थ कार्ड देने की दिशा में बहुत बड़ा अभियान चलाया और शायद मैं मेरा जो टारगेट था उससे पहले मैं शायद पूरे देश में पूरा कर दूंगा अब किसान को समझ आने लगा है कि तो भाई मेरी जमीन तो इस पाक के लिए अनुकूल थी इसके लिए नहीं थी मैं बेकार में डालता रहता था उसी प्रकार से यूरिया हमारे देश में यूरिया के लिए किसान को रात रात लाइन में खड़ा रहना पड़ता था आपने टीवी पर भी देखा है और अखबारों में पढ़ा है कि यूरिया लेने के लिए आए हुए किसानों पर लाठीचार्ज हुए थे मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मुझे हर वर्ष तीन चार चिट्ठी प्रधानमंत्री को यही लिखनी पड़ती थी कि यूरिया दीजिए यूरिया दीजिए मैं यहाँ प्रधानमंत्री बन के आया तो राज्यों से मुझे सबसे पहले जून महीने में जो चिट्ठियाँ मिली वो यूरिया की ही मिली मैंने उसका पूरा डिटेल अभ्यास किया साहब नई फैक्ट्री लगाऊंगा तो तीन चार साल लगेंगे लेकिन जो इसको ठीक ठाक करूँ ठीक ठाक कर कर करके मैंने 20 लाख टन अतिरिक्त यूरिया पैदा किया उसी को गवर्नेस बदल करके मैनेजमेंट बदल करके दूसरा जो बंद पड़े कारखाने तो उसको चालू करने का बड़ा अभियान मेरा चल रहा है उसमें भी लोगों को काफ़ी रोजगार मिल रहा है और आने वाले कुछ समय में वो चालू भी हो जाएंगे तीसरा काम यूरिया का नीम कोटिंग किया नीम कोटिंग करने के कारण पहले यूरिया चोरी नाम तो किसान का होता था सब्सिडी किसान के नाम पर कटती थी बिल किसान के नाम के फटता था लेकिन जाता था कारखानों में और फैक्ट्री में जा के वो केमिकल प्रोसेस में रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होता था उधर उद्योगपति मालामाल हो जाते थे हमने 100 परसेंट नीम कोटिंग यूरिया कर दिया इसके कारण गेहूं और चावल जैसी चीज़ों में पाँच से सात प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई नीम के नीम कोटिंग के कारण यूरिया टेन कम उपयोग हुआ किसान का पैसा बचा अभी मेरी कोशिश है सोलार पंप बिजली के बदले किसान को सोलार पंप हो खेत के किनारे पर वो अपने सोलार पैनल लगा दे तो बिजली का खर्चा कम तो उसका खर्चा कैसे कम हो तीसरा सबसे बड़ा काम है एग्रो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग हमने एक इंटरनेशनल लेवल का एग्रो प्रोसेसिंग सेमिनार किया दुनिया के एग्रो प्रोसेसिंग वालों को मैंने बुलाया अब भारत में प्रधानमंत्री कृषि संप्रदाय योजना के तहत मैंने 6000 करोड़ रुपए का बजट तय किया वैल्यू एडिशन होना चाहिए अगर आप कच्चे आम बेचते हैं कम पैसा मिलता है लेकिन पका आम बेचते हैं तो ज़्यादा मिलता है कच्चे आम का आचार बना करके बेचते हैं तो और ज़्यादा पैसा मिलता है अचार को भी बढ़िया पैकिंग करके बेचते हैं तो और अच्छा मिलता है और अगर कोई सेलिब्रिटी उसको मार्केटिंग के लिए ब्रांडिंग करे और टीवी वालों को थोड़ा पैसा दे करके एडवर्टाइजमेंट करें तो और ज़्यादा पैसा मिलता है वही कच्ची कैरी वैल्यू एडिशन होता है तो कितना होता है दूध किसान बेचता है तो कम पैसा मिलता है लेकिन दूध से मक्खन बेचता है तो ज़्यादा पैसा मिलता है वैल्यू एडिशन की दिशा में मेरे किसान को ले जाना चाहिए और रूरल बेच एग्रो बेच इंडस्ट्रीज की और देश को ले जाना चाहिए हमने ये प्रधानमंत्री कृषि सम्पदा योजना के तहत ये पूरी योजना को आगे बढ़ाया है जो आने वाले दिनों में इसको मदद करेगा और इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है किसान की समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता खोजना उसके लिए मार्केट ई नाम के द्वारा हमने करीब 580 मंडियों को जोड़ने के लिए और तमिलनाडु का किसान भी अपनी पैदावार ऑनलाइन बिहार में बेच सकता है जहां उसको ज़्यादा दाम मिलेगा बेच सकता है मेरा अंदाज़ है अब तक इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों का छत्तीस हज़ार करोड़ रुपए की माल की बिक्री हुई है उसकी अपनी इच्छा के दाम से तो ये संभव है अब मैंने राज्यों को आग्रह किया कि आप जल्दी से जल्दी अपने एपीएमसी के कानून में बदलाव कीजिए इनाम के अंदर आगे आइए अब राज्यों की कहीं गति अच्छी है का गति ठीक नहीं है लेकिन हम लगे हैं जी थोड़ा हटके फॉरेन पॉलिसी पे थोड़ा बात करना चाहेंगे देखिए आपके इक्वेशंस हैं काफी वर्ल्ड लीडर्स के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी हाउ मच हैज दिस कंट्रीब्यूटेड आपके इक्वेशंस ताल्लुक टू आइसोलेट पाकिस्तान इंटरनेशनली अगर ये आप सोचोगे कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान आधारित है तो भारत के साथ घोर अन्याय है भारत की विदेश नीति भारत के संदर्भ में होती हैं भारत की विदेश नीति विश्व के संदर्भ में होती है इश्यूज़ के संदर्भ में, में होती है और इसलिए हम किसी एक देश के ही आसपास विदेश नीति नहीं करते हैं और न करनी चाहिए और इसलिए अगर आपकी ये सोच है कि हम कुछ को आइसोलेट करने के लिए ये दुनिया में मेहनत करते हैं गलत है ये हमारा काम नहीं है हाँ दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है और आतंकवाद के जनक जो जो होंगे उनके खिलाफ दुनिया लामबंद हो रही है राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी मुखरता के साथ आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं और आतंकवाद के खिलाफ जो भी लड़ने के लिए आएगा उन सबका मैं स्वागत और सम्मान करूंगा क्योंकि मेरा देश 40 साल से आतंकवाद को भुगत रहा है निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं दुनिया में से आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है मैं समझता हूँ मैंने हमेशा कहा है कि भारत और पाकिस्तान बहुत लड़ लिया आओ मिलकर के गरीबी से लड़े आओ मिलकर के बीमारी से लड़े और मैं सीधा पाकिस्तान की आवाम से ही बात करता हूँ मैं आवाम से कहता हूँ कि बताइए गरीबी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है अशिक्षा से लड़ना है कि नहीं लड़ना है बीमारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है हम मिलकर के लड़ेंगे तो जल्दी से जीतेंगे ये मैं के से कहता हूं। पर मोदी जी एक मोदी डॉक्ट्रिन निकल के आया है और मोदी डॉक्ट्रिन को अभी नितिन याहू जी यहाँ थे आपकी बहुत अच्छी उनकी यात्रा रही दिल्ली में और उन्होंने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू में कहा और एंडोर्स किया कि आपका जो टेररिज्म के तरफ एटीट्यूड है वो एक हार्ड पावर का एटीट्यूड है और उन्होंने एंडोर्स किया कि ये ही मोदी डॉक्ट्रिन जो है हार्ड पावर पे होना चाहिए सॉफ्ट पावर से टेररिज्म एटलीस्ट टैकल नहीं हो सकता है तो आप समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन जो है इस पर आप मजबूती से बने रहेंगे मैं प्रधानमंत्री नित्यान्याहू का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने भारत की भी जमकर के तारीफ़ की है भारत सरकार की जमकर के तारीफ़ की है व्यक्तिगत मेरे लिए भी अच्छे शब्द बोले हैं मैं इसलिए उनका बहुत आभारी हूं आतंकवाद ये सोकॉल टर्मिनोलॉजी में जैसे शब्द आपने प्रयोग किए कि हार्ड पावर डिकना पावर वगैरह एक्चुअली ये मानवता का मुद्दा है मानवता पर बड़ा संकट है मानवता की रक्षा के लिए मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत जरूरी है और मैं इसे मानवता को बचाने की लड़ाई मानता हूँ और इससे बड़ा सॉफ्ट पावर कोई नहीं हो सकता है मानवता की चिंता करना यही तो सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है और इसलिए मेरी कोशिश मानवतावादी शक्तियों को जोड़ना मानवतावादी विचारों को बल देना उस पर है तब जा के आप आतंकवाद को आइसोलेट करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ पाओगे तभी लोग परहैप्स कह रहे हैं आपने भी एक अब इंटरलोक्यूटर भी असाइन किया है जम्मू कश्मीर के लिए तो इसी दायरे में अगर आप उसको एड्रेस करना चाहें आतंकवाद को मानवता के दायरे में तो आप डायलॉग शुरू करना चाहिए नॉट जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर विद पाकिस्तान बट ऑल्सो इंटरनली भारत के किसी भी नागरिक के साथ डायलॉग होता ही है होता ही रहेगा और होता ही रहेगा भारत के संविधान ने हमको एक काम दिया हुआ है इसके लिए कोई नया प्रयोग नहीं होता है वो तो चलता ही है और मैंने तो लाल किले पर से कहा हुआ है सारी बातें उसमें कोई दुविधा नहीं है भारत के नागरिक का तो मोदी को अरे मोदी जी खड़े रहो मुझे बात करनी उसको हक है जी हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले हिंदुस्तान के लिए जीने मरने वाले के लिए तो हम हैं ये आपने बहुत दुरुस्त कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले पर कई ऐसे वहां हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को ही नहीं मानते तो वो तो बात करने के लिए जाएंगे क्यों <laughs> और वो कर भी नहीं रहे वो कर भी नहीं आ, रहे मोदी जी 18 महीने रह गए इलेक्शंस के लिए अब जो अगले 18 महीने का जो सफर है आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं एक मैं कभी भी चुनावी टाइम टेबल से अपना टाइम टेबल नहीं बनाता हूँ मेरा टाइम टेबल रहता है देश की जनता की सेवा करने के लिए जो टास्क है वो टास्क को समय सीमा में बांध दूँ जैसे मैंने अभी एक सौभाग्य योजना ली है अब आप देखिए आजाद कुल हिंदुस्तान में कुल 25 करोड़ परिवार है राउंड अबाउट 25 करोड़ परिवार है 25 करोड़ परिवार में चार करोड़ परिवार अभी भी अंधेरे की जिंदगी में जीते हैं उनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है आज़ादी के सत्तर साल के बाद मेरा मन करता है कि मुझे इन चार करोड़ परिवार जो अंधेरे में जीते हैं उनके घर में रोशनी पहुंचानी है मैंने टाइम सीमा तय की है कि मैं इन चार करोड़ परिवारों में समय सीमा में बिजली का कनेक्शन दूंगा मुफ्त में दूंगा उनके घर में रोशनी आएगी तो बच्चा पढ़ेगा उस, उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा ये सब गरीब लोग हैं और ये संप्रदाय वो संप्रदाय नहीं है हर समाज के अंदर गरीब तबका है मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ अब मैं तय करता हूँ भाई मुझे इस तारीख के पहले काम पूरा करके दो जब मैंने लाल किले से बोला कि मुझे एक साल के भीतर मैं स्कूल कॉलेज में, कॉले में टॉयलेट पूरे करने हैं कर दिए मैंने हमारे देश में योजनाओं की घोषणा करने वाली सरकारें तो बहुत आके गई कोई ऐसा विषय नहीं है मानव जात का कि जिस पर पुरानी सरकारों ने यूं उंगली न नई छू कर के भाग जाना छू के भाग जाना खाता आठ में डाल देना हाँ हमने योजना चालू कर दी लेकिन फिर भी उसको पूछना ही नहीं मेरा वो काम नहीं है मैं योजना वही हाथ में लेता हूँ जिसको मैं पूरा करने के लिए प्रयास करूँ पूरा तरा पूरा और पूछता रहता हूँ बताओ कहाँ पहुँचा कितना हुआ इसे जितना देश की सेवा कर पाता हूँ करता हूँ जी बाकी हवाबाजी करनी है तो तो सब लोग करके ही गए हैं <laughs> कोई ऐसी योजनाएं हैं मोदी जी जो आप सोचते हैं कि अभी तक फ्रैक्टिफाई नहीं हुई हैं जिस पे आपको थोड़ा और अटेंशन पे करना पड़े कुछ ऐसी हैं योजनाएं अब जैसे मैंने प्रधान सांसद आदर्श ग्राम योजना रखी और मैंने हमारे सांसदों से प्रार्थना की कि सरकार के इतने पैसे जाते हैं अलग अलग योजनाओं से जाते हैं। आप एक गांव में खुद अपनी निगरानी के नीचे उसको लागू करके देखो पैसे हैं अलग अलग योजनाओं से लेकिन एक गांव में लगा करके देखो और वहाँ कोई बदलाव नजर आता है क्या तो इससे दो चीजें होगी एक तो या तो नीतियाँ गलत होगी तो उसको करेक्शन होगा आप पार्लियामेंट में आके बोलो कि ये नीति तो होना ही नहीं है बजट कम होगा तो उसी चर्चा होगी लेकिन कोई प्रयोग तो करो एक मॉडल तो बनाओ अब ये किया तो हमारे एक नेता ने बड़ा उसी के खिलाफ बयानबाजी कर दी अब वो तो जीएसटी के लिए कुछ बोलते तो उसके लिए भी बोल दिया अब अब तब लगता है कि कुछ करूंगा आप मैं समझाऊंगा एम को <laughs> कि भाई देखिए एक एक गांव करो ना एक गांव करके देखो तो मॉडल पता चलेगा भाई तो इसके कारण आप पार्लियामेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे क्योंकि ये ठीक है सरकार की योजना में कमी है इसको बदल करो और दूसरा आपको ध्यान में आ गया इतने रिसोर्स हैं अगर सही ढंग से उपयोग किया तो कहाँ से कहाँ पहुँचा जा सकता है दोनों चीजें हो सकते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है मोदी जी सवाल कहीं हैं चाहे तो हम पूरी रात यहाँ रह सकते हैं लेकिन आपके बहुत बहुत आभारी हैं आपने इतना समय हमारे दर्शकों को दिया आपने कई चीजों पे बहुत प्यार से बातें की चाहेंगे कि ऐसा समय आप हमें थोड़ी थोड़ी देर में देते रहें ताकि हम दर्शकों की बात आप तक लाते हैं। आपकी बात उन तक मैं टाइम्स नाव का बहुत आभारी हूँ और मैं मानता हूँ इस देश को मुझसे पूछने का भी हक है और जवाब देना मेरी जिम्मेवारी है लेकिन कार्य की व्यस्तता इतनी रहती है और आपने देखा होगा मैं लगातार काम करने वाला इंसान हूं मैं आशा करूंगा कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद कोई टोली आपके बाल नोच न ले <laughs> यही मैं प्रार्थना करूंगा मेरा तो जो हो गया तो हम तो आदि हैं लेकिन कहीं आपके बाल नोच न ले लोग <laughs> लेकिन मैं आपका आभारी हूं आपने उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल है काफी है। काफी विषयों पर मेरी मुझसे चिंतन मनन करने का अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू मच थैंक यू थैंक यू